हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? सबके सब होप सो सबके सब बढ़िया होगा। डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई आज आ रहे हैं, मतलब इस वीडियो में आ रहे हैं ललित भैया। और ललित भैया वो 390 और 200 की हेडलाइट की जितने भी तुम्हारी क्वेरीज थी सारी की सारी क्लियर करने आ रहे हैं। तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे सारे के सारे मैं उनसे पूछ लूँगा और तुम्हें बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं। तो चलो, और हो सके तो उनका शायद उन्होंने गोप्रो ले लिया। अगर गोप्रो ले लिया होगा तो ना यूज़ तो हम ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं और यूज़ करेंगे और तुम बताना कि क्वालिटी तुम्हें कैसी लगी। तो चलो चलते हैं। तो भाई इनको भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चन। इस पर भाई ये तो मुझे भूल ही गया था। देखो ड्यूक 250 के स्टिकर भी आने लग गए हैं और भाई ये मस्त लगती है। ये वाला स्टिकर मुझे बहुत मस्त लगता था यार। भाई ये है हमारी ड्यूक जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी। आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो ये रहे हमारे ललित भैया, आज ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे अपने चैनल पर। तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में, शायद तुम्हें लिंक मिल जाए और तुम जाके ये सब देख लेना, ठीक है? और भैया ने ये लगाई थी जो टेल्ड आईडी मैंने निकाल दी उसका। एक्चुअली जो मेरे पीछे बैठता था ना, हाँ, टीचर ऊपर आ जाता था तो। पर अब तो मौसम ठीक हो गया था। अब ठीक हो गया, फिर से लगाऊंगा। मैं कॉम्बो जीता ना तेरा भाई। मैं कॉम्बो वो क्या है, मोटो एंड टाइजन का वो नहीं हुआ था कॉम्पिटिशन? हाँ, पर तो उसमें कॉम्बो मैं जीता, उसके साथ सब आएगा। टेल्ड आईडी आएगी, फ्रेम स्लाइडर आएंगे। ओ भाई कांग्रेचुलेशंस सेलिब्रेशंस। जब आएगा उसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो मिलेगी, ठीक है? तो भाई जितना भी सब कुछ है भाई ने मंगाया हुआ सेफ जोन से। और बाकी तुम्हें दिखाता हूँ, देखो संभाल के तो रखिए। तुमने शॉर्ट्स देखी होंगी यार ये सब। और तुम्हें इस हेडलाइट का बस शॉर्ट सा बता दूँ। देखो हमने ये डलवाया था, ये अलग डले थे, ड्यूक 200 के नहीं डलते थे। और पीछे वाला कवर, ये वाटर प्रूफ कवर डाला था बाइक की ओरिजिनलिटी बनी रहे इसलिए, वरना इसको खोल के भी चला सकते थे बट फिर वो वायर सारी की सारी ऑर्गेनाइज नहीं लगती। तो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, हाँ, सीधे वायर पानी पड़ता है वहाँ पे। हाँ, बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे ललित भैया के चैनल पर। तो चलो अभी हम ललित भैया की वीडियो बना देते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओए होए होए होए। तो भाई अभी ललित भैया की वीडियो बना दी हमने और अभी हम आए थे कुछ खाने के लिए। तो चलते हैं वापस, बाइक मोड़ लेते हैं। वीडियो शुरू है, वाइजर खोल दिया, बाइक हेलमेट थोड़ी सी वो है, हेलमेट थोड़ी सी खुली है। तो कोई नहीं, जितना देखना है उतना दिख रहा है। निकलते हैं अब, ललित भैया निकलने वाले हैं, ललित भैया जाने वाले हैं घर। उनका गोप्रो हमें मिल गया है और कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। ये थोड़ी सी स्किट आ गया पीछे से न्योलू हमारा। भाई ये जो ड्यूक है ना, इतनी हल्की बाइक है ना, मतलब पता ही नहीं चलता है कि चला क्या रहे हैं। बस मजा आता है चलाने में। भैया चलते हैं, देखो मेरी हेलमेट कहाँ लटकी हुई है। कुछ नहीं, अरे देश चल बे। भाई ये हेलमेट बहुत ज्यादा वो है, खुली है मेरे को। अब इसको टाइट करता, बट टाइट करते करते ना मैं टाइट हो जाऊंगा। हैं? तो
भाई अभी मैंने और लिव्या ने हितेश को छोड़ दिया उसके घर पे, तो चलते हैं अभी अपने घर पर। तो चलो तो भाई हमने तो ऐसे निकाल ली, हमको तो बहुत ज़्यादा उठ है, क्या करें, है तो है, बड़ा हो गया यार मेट्रोडोर वाले को भी करें पीछे। ओ भाई अब ललित भैया देख लेंगे। ऐसा है कुछ अपना तालाब तिलो, पहली बार दिखा रहा हूँ शायद मैं ऐसे ऑन कैमरा, ऑन गोप्रो भाई, कैमरा तो छोड़ो तुम। ललित भैया का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओ R15V3 ऊपरी चढ़ जाओ महाराज। ललित भी आ रहे थे हमारे, कहाँ गए ललित भैया, थोड़े से पीछे रह गए, थोड़े से नहीं बहुत रह गए। ड्यूक की आवाज़ आ ही जाएगी मेरे को, जैसे आएगी हम चल पड़ेंगे ड्यूक 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 ड्यूक। भाई ये BYC वाली थार तो नहीं है? नहीं है। ललित भैया कहाँ रह गए हमारे? अरे ललित भैया मैं थोड़ा वीडियो भी बनाने के, ओ चलो चलो। ललित भैया के पैर में लगी है, ललित भैया इंजर्ड हो गया। भाई ये जो ड्यूक 250 वाला, ये वाला स्टिकर है ना, बहुत सही लगता है। भाई थोड़ी बहुत दिखाना पड़ता है। सीधे से चलो, सीधे से, मेरे पीछे पीछे रहना, ट्रैफिक वाले होंगे तो रुक जाना, ठीक है भाई। ललित भैया की हेलमेट पहनी है हमने, ललित भैया से पहनी नहीं जा रही है क्योंकि उनकी दर्द हो रही है, बट ट्रैफिक वाले तो सुनेंगे नहीं, तो आराम आराम से आ रहे हैं। और कोई भी नहीं है तो निकलते हुए अपनी बाइक तो मैं निकाल ही लेता हूँ। कहाँ गए ललित भैया? ललित भैया जा कहाँ रहे हैं, क्या हो गया उनको? Few moments later. इतनी दर्द, इतनी पीड़ा सह रहे हो, इतनी पीड़ा सह रहे हो, घर छोड़ा हूँ हाँ? फिर एक काम करता हूँ ना। मैं एक काम करता हूँ, ललित भैया को घर छोड़ने जाता हूँ, बाइक का क्या है, बाइक ले आऊंगा मैं यार, उसमें क्या है, ललित भैया मना थोड़ी करेंगे। तो भाई भाई आ गए ललित भैया, आवाज़ तो सुनाई दे ही जाती है। ड्यूक 200 तो भाई 200 CC है, हैंचो पता नहीं चलता उसको कहाँ जा रही है। तो भाई ये रहा कचरे वाला ऑटो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भाई सबके सब घर से कचरा निकाल दो, चलते हैं अभी आगे। वीडियो तो पता नहीं कैसी बनी होगी, डोंट नो, पहली बार बना रहा हूँ। GoPro 6 से GoPro 5 से बना चुका हूँ, करण रैना का GoPro है, द वैनम राइडर, नॉक्स मोटो व्लॉग्स को जानते हो, उसकी GoPro था तो मैंने बना लिया था यार नॉक्स का, ठीक है ना।
विंड ब्लास्ट आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, विंड ब्लास्ट का कोई हिसाब नहीं होगा, बट क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते। अब पता नहीं इसका व्यू सही भी है कि नहीं, इतनी देर से मैं बना तो रहा हूँ पर बना क्या रहा हूँ भैया। अगर व्यू सही नहीं हुआ फिर हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं उसमें क्या है, हम तो चूतिया हैं, झोला उठा के फिर चल पड़ेंगे कहीं। तो भाई अब मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि कंफर्म करके मैंने ललित भैया का गोप्रो यूज़ कर ही लिया, तो तुम मुझे ज़रूर बताना क्वालिटी तुम्हें कैसी लगी, ऐसी क्वालिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो करते हैं वीडियो यहीं पे एंड, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो चलो बाय।